Hello dear friends, in this video I'll talk about Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that to every action there is an equal and opposite direction reaction. Means प्रत्येक क्रिया के बाद ठीक विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है. यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन और रिएक्शन बोलने का मतलब है फोर्स. इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी फोर्स से ये मैन इस ब्लॉक को पुश कर रहा है उतने ही फोर्स से ब्लॉक भी मैन को पुश करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ी ही तीव्र गति से फ्यूल नीचे की ओर आता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट आपका ऊपर की ओर जाता है. ठीक है, तो रॉकेट का यहाँ पर ऊपर की ओर जाना संभव हो पाया है न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं. पॉइंट नंबर वन कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम करता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. दूसरा पॉइंट क्या है कि फोर्स कभी भी एकल नहीं होता, यानी एकल बोलने का मतलब सिंगल फोर्स कभी नहीं होता. फोर्स जब भी लगेगा हमेशा पेयर में होगा. ठीक, सो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ लिया है. तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मान लो, देखो ये प्रॉब्लम क्या है कि जितने फोर्स से हॉर्स कार्ट को पुल करेगा उतने ही फोर्स से कार्ट भी हॉर्स को पुल करेगा. मीन्स दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से पुल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ की ओर तो हम ये पाएंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये हॉर्स कार्ट को कभी पुल नहीं कर पाएगा. जबकि हम अपने डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि हमेशा हॉर्स कार्ट को पुल करते हुए आगे ले जाता है. ठीक है, तो इसका सलूशन हम देखते हैं अगली स्लाइड में. अच्छा, समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न होती है कि जितने फोर्स से हॉर्स कार्ट को खींचता है उतने ही फोर्स से कार्ट भी हॉर्स को खींच रहा है. बट आपने यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ को गलत समझ लिया है. कभी भी एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते. ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ समस्या आ रही है. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होंगे वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. ठीक है ना, आपको मैं समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से. देखो, मान लो यहाँ ब्लॉक लिया आपने, इस पे यदि आप 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन पर लगाते हैं तो क्या होता है, ये मूव कर जाएगा. और इसी ऑब्जेक्ट पे यदि आप फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन पर, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो मुझे बताओ क्या होगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा. ठीक है ना, अब जबकि हम यहां देखते हैं इस एग्जाम्पल पर कि एक्शन और रिएक्शन जो पेयर हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं. देखो, हॉर्स इसको कार्ट को पुल कर रहा है इस डायरेक्शन पर और कार्ट भी पुल कर रहा है हॉर्स को इस डायरेक्शन पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. बट ये दोनों एक्शन और रिएक्शन जो पेयर है यहां पर, मान लो ये एक्शन है ये वाला, इन दोनों में से कुछ को भी, किसी को भी हम एक्शन रिएक्शन मान सकते हैं, इसको रिएक्शन मान लो. अब देखो, मान लो रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू ज्यादा है किससे, अगर इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, यहां पर जो इस व्हील के बीच में और जो सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इससे अधिक हो जाए यहां पर फॉरवर्ड फोर्स यानी जो रिएक्शन फोर्स है, तभी ये आगे की ओर मूव करेगा, अन्यथा मूव नहीं करने वाला. ठीक है ना, आमतौर पर ये होता कि हमेशा ही क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, व्हील के बीच में और सरफेस के बीच में कम रहता है, इसलिए हमेशा ये हॉर्स है इस गाड़ी को कार्ट को पुल कर लेता है. मान लो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पर इस व्हील के बीच में और यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैक्सिमम यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाए, फॉरवर्ड फ्रिक्शन, फॉरवर्ड जो ये फोर्स है इससे अधिक हो जाए, तो कभी भी हॉर्स कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा. ओके, इसीलिए आपको यहां पर मिसकंसेप्शन हुई है कि क्वेश्चन जो उठना ही गलत है यहां पर. ओके, हमेशा ही खींच लेगा क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होते हैं कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते यहां पर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन. नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, बाय बाय.